الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سورة الصف آيت نمبر 10 سے آج شروع ہو رہا ہے بڑی عجیب اور بڑی زبردست آیتیں ہیں अल्लाह की मदद कैसे हासिल होवे। आज हरेक ईमान वाला इंतजार में है कि अल्लाह की मदद आवे। तो अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल होगी, उसके लिए चार शर्तें हैं। उन चार शर्तों को पूरा करेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह की मदद हम सब को इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगी। अब इन आयतों का तर्जुमा समझ लीजिए। ए ईमान वालों, क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत बतलाऊं जो तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेवे। देखिए, गौर करने का मकाम है, ध्यान से समझो। खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुमको एक तिजारत बतलाता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ईमान वालों को तिजारत बतलावे। इसीलिए जहन के अंदर एक बात अच्छी तरीके से रख लो कि तिजारत और कारोबार करना कोई बुरी चीज नहीं है। आदमी हलाल तिजारत करे, हलाल कारोबार करे, फिर उससे जो पैसे मिले, नफा मिले, प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले, उसको अच्छे कामों में खर्च करे, नेकियों के कामों में खर्च करे, भलाई के कामों में खर्च करे, तो तिजारत बिजनेस कारोबार कोई फीस आती ही बुरी चीज नहीं है। लेकिन यहां अल्लाह ताला एक दूसरी तिजारत बतला रहे। दुनिया की तिजारत, दुनिया का बिजनेस, दुनिया का कारोबार फना होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन एक दूसरा कारोबार है, ईमान और दीन के खातिर तिजारत, ईमान और दीन के खातिर बिजनेस। वो कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका नफ़ा, उसका प्रॉफिट कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उसका नफ़ा, उसका प्रॉफिट हमेशा हमेश बाकी रहेगा। ऐसी तिजारत अल्लाह ताला बतला रहे हैं। और देखो, बहुत ध्यान से समझो, अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं कि उस तिजारत के जरिए तुमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या तुमको जो है फायदा होगा, क्या तुम्हारा नफा होगा, वो भी आयत के अंदर खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। और सबसे पहला फायदा जो अल्लाह ने बयान फरमाया वो ये बयान फरमाया कि तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ये तिजारत, ये कारोबार तुमको दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। यानी जो आदमी भी दर्द ये तिजारत करे, आखिरत वाला बिजनेस करे, तो
तो अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अजाब से बचा लेंगे, दर्दनाक तकलीफ से बचा लेंगे। ये पहला बेनिफिट। और देखो प्यारे अल्लाह ताला ने कितना प्यारा अंदाज यहाँ आयत में बयान फरमाया। वो तिजारत क्या है, वो बिजनेस क्या है, वो कारोबार क्या है, वो आगे बाद में बतलाएंगे, लेकिन उसका नफा, उसका फायदा, उसका प्रॉफिट अल्लाह ने पहले बतला दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इससे हमको भी एक बात सीखने को मिली कि जब किसी को कोई बिजनेस, किसी प्रॉफिट, किसी कारोबार, कोई बिजनेस, कोई धंधा, तिजारत, व्यापार के लिए बतलाना हो तो पहले उसका फायदा बतलाओ कि उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा, ये नफा मिलेगा। ये पहले बतलाना चाहिए ताकि सामने वाले के दिल के अंदर तलब पैदा हो, शौक पैदा हो कि ओ हो भाई, ये तो बहुत अच्छी तिजारत है, बहुत अच्छा जो है धंधा है, बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छा कारोबार है कि उसमें इतना अच्छा नफा मिलता है, इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है, इतना अच्छा फायदा होता है। तो आदमी जल्दी 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 उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहला अल्लाह ने कारोबार नहीं बतलाया, व्यापार नहीं बतलाया, तिजारत नहीं बतलाई, पहले उसका बेनिफिट बतलाया, फायदा और नफा बतलाया। उसके बाद समझो, नफा प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक तो कुछ मिल जावे और दूसरा ये है कि कुछ तकलीफ दूर हो जावे। जैसे कहा जाए कि तुम ये बिजनेस करोगे ना, तो अभी तुम झुपड़ी में रहते हो तो वो झोंपड़े वाला झोंपड़ा रहना खत्म हो जाएगा। झोंपड़े में तुमको रहने में कितनी तकलीफ, बारिश में पानी का कतरा भी अंदर आवे और झुपड़े में इस्तिंजा, टॉयलेट, बाथरूम का भी ठिकाना नहीं होता है, तो तुम्हारी ये झोपड़े की जो जिंदगी है ना, झोपड़पट्टी की, तो तुम यहां से नजात पा करके शानदार बंगले में जाके रहोगे। तो कोई भी बिजनेस में, तिजारत में नफा, फायदा, प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक कुछ मिलेगा और दूसरा ये कि कुछ तकलीफ दूर होगी। तो तकलीफ दूर हो जावे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज्यादा अहम होता है। उसको जो है हमारी मौलवियों की भाषा में कहते हैं जल्बे मनफात और दफ़े मदर्रत। उसमें दफ़े मदर्रत हमेशा मुकद्दम होता है जल्बे मनफात के ऊपर। तो कोई चीज के अंदर कोई तकलीफ दूर होती हो तो ज्यादा अच्छा है, फायदा हासिल हो उसके मुकाबले में। सुबहान अल्लाह, बारी ताला ने कैसी जबरदस्त बात बयान फरमाई कि अगर तुम ये बिजनेस करोगे तो दर्दनाक अजाब से तुम बच जाओगे। दर्दनाक अजाब क्या चीज होती है? अल्लाह अकबर। ये अजाब, ये तकलीफ, ये मुसीबत दो तरह की दुनिया में भी होती है, आखिरत के अंदर भी होती है। आखिरत का अजाब भी अल्लाह खत्म कर देंगे और दुनिया का अजाब भी अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे। दोनों तरह का अजाब, दोनों तरह की तकलीफ अल्लाह सुबहानहु व ताला खत्म फरमा देंगे। और कुरान में इस जैसी इल्ला तन्फिरु युअज्जिबकुम अज़ाबन अलीमा, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिर उम्मत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा फरमाते हैं कि दर्दनाक अजाब है क्या चीज, बड़ी मुसीबत, बड़ा अजाब है क्या चीज? तो कहा तुम्हारे कारोबार फेल हो जावे, तुम्हारा बिजनेस फेल हो जावे, धंधे नाकाम हो जाए, तुम्हारे ऊपर कहत आ जावे, दुकाड़ आ जावे। सुबहान अल्लाह। तो कहा अल्लाह ताला तुम पर अजाब भेजे यानी तुम्हारा बिजनेस खत्म, कारोबार नाकाम, दुकाड़ हो गया, कहत आ गया। तो जो आदमी अल्लाह जो बतला रहे हैं वो तिजारत करेगा,
अल्लाह का बतलाया हुआ बिजनेस करेगा तो इंशाअल्लाह उसके कारोबार में भी बरकत होगी, तिजारत में भी बरकत होगी, व्यापार में भी बरकत होगी, दुकान से हिफाजत होगी, कहत से हिफाजत होगी, अल्लाह उसकी रोजी रोटी के अंदर खूब बरकत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। आज इंसान अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए वक्त क्यों नहीं देता है, टाइम क्यों नहीं देता, अजान हो गई नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता, आदमी पर हज फर्ज हो गई हज पढ़ने क्यों नहीं जाता, आदमी अल्लाह का दीन सीखने के लिए किसी खानकाह में किसी बुजुर्ग के पास किसी मदरसे में जमात में क्यों नहीं जाता। आदमी ये सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी खेती बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अगर मेरे रास्ते में नहीं निकले तो तुम्हारी खेती बर्बाद हो जाएगी। तुम जो है अगर मेरा दीन सीखने नहीं निकले, मेरा दीन सिखाने नहीं गए, तुम मेरे दीन के लिए चलत फिरत नहीं करोगे तो हम तुम्हारी खेती कारोबार को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला जो बिजनेस बतला रहे, अल्लाह ताला जो तिजारत बतला रहे, वो तिजारत वो बिजनेस समझो बहुत इम्पोर्टेंट तिजारत है। और जाहिर है कि अल्लाह बतलाएंगे तो उसमें दुनिया का भी फायदा आखिरत का भी फायदा, दुनिया की तकलीफ खत्म आखिरत की तकलीफ खत्म। अब वो तिजारत क्या चीज है वो समझो। تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। बस ये आ गया पूरा बिजनेस। एक ही आयत में अल्लाह ने चार बातें बतला दी। ये चार चीज है अल्लाह के बताए हुए बिजनेस की, अल्लाह के बताए हुए कारोबार की, अल्लाह के बताए हुए व्यापार की। सुभान अल्लाह। और जो आदमी भी ये चार चीज को अपनी जिंदगी में उतारेगा, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह की मदद उस पर आएगी। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। क्या चीज है? तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान रखो और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन बात है अगर तुम समझो। चार बातें हो गई। नंबर एक, अल्लाह पर ईमान, या ईमान का मतलब है यकीन। क्यों? इसलिए कि आयत जहां शुरू हुई तो वहीं फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारा। मालूम है कि ईमान तो है ही। अब दोबारा जो अल्लाह ने फरमाया कि तुमिनून बिल्लाही व रसूली, उसका मतलब है अल्लाह पर यकीन आ जावे, अल्लाह पर यकीन आ जावे। बस ये असल चीज है अल्लाह पर यकीन। नंबर दो, अल्लाह के रसूल पर ईमान। तुम अल्लाह ताला पर ईमान यानी अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के रसूल पर ईमान यानी रसूल के तरीकों पर अमल करने में इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, इस बात का यकीन होना चाहिए। अल्लाह की बात पर, अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करने से दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी है, ये यकीन होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला जो है ना इंसान के साथ अपने बंदों के साथ यकीन के एतबार से मामला करते हैं। बंदे को अल्लाह के ऊपर जैसा यकीन होगा ऐसा अल्लाह की तरफ से मामला होगा। देखो एक अजीब बात बतलाऊं, हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह
दावत तबलीग के आलमी शोहरा याफ्ता मुबल्लिग थे। 1972 के अंदर 14 मार्च को मंगल के दिन रंगून शहर बर्मा में, म्यांमार में, एक तबलीगी इज्तिमा में हजरत का पुरानों में बयान हुआ, वो मेरे सामने है, मैंने उसको कई मर्तबा पढ़ा है। अजीब बात हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि अल्लाह ताला का मामला इंसान के साथ उसके यकीन के एतबार से होता है। अगर दुनिया में लोग जो गलत यकीन वाले हैं तो उन गलत यकीन वालों के साथ भी अल्लाह ताला थोड़े वक्त के लिए उनके यकीन के मुताबिक मामला करते हैं। अजीब बात, जिनका गलत यकीन है उन गलत यकीन वालों को भी अल्लाह ताला थोड़े दिनों तक तो उनके गलत यकीन के मुताबिक उनके साथ अल्लाह व्यवहार करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिरौन को आपने देखा, कुरान में उसका किस्सा है। फिरौन का यकीन किया था कि हुकूमत की ताकत से सब कुछ होता है। अलैसली मुल्कु मिस्र, ये फिरौन का यकीन कि हुकूमत, सत्ता, ताकत, पावर, लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री, आर्मी, लश्कर, फौज, सिपाही, माल, दौलत, ये जिसके पास होगी उसका काम बनेगा। तो अल्लाह ने थोड़े दिनों तक उसका काम उसी तरतीब से चलाया। अलैसली मुल्कु मिस्र वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती। आगे की बात समझो, अगर आज दुनिया के अंदर सही यकीन वाला एक मजमा तैयार हो जाए, एक जमात तैयार हो जाए कि जिनका यकीन बिल्कुल सही हो, तो अल्लाह ताला गलत यकीन वालों के तजरबे के मुशाहदे के खिलाफ करके दिखलाएंगे। जो गलत यकीन वाले हैं उनका जो तजुर्बा है, उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो मुशाहदा है, वो जो अपनी आंख से देखते हैं, अल्लाह सुबहानहु व ताला उनके तजुर्बे, उनके अनुभव, उनके मुशाहदे के खिलाफ करके दिखाएंगे। अगर दुनिया के अंदर सही यकीन वालों की जमात तैयार हो जाए, इसीलिए आप मूसा अलैहि सलाम के किस्से के अंदर देखो कि फिरौन का गलत यकीन मैंने आपको बतलाया। फिरौन ये समझता था कि लश्कर से काम बनता है, माल से काम बनता है, हुकूमत से काम बनता है। अब उसके मुकाबले में सही यकीन वाली एक जमात देखो, वो जमात किसकी है? इन्नहा उलाई लशिरजिमतुन कलीलून, एक छोटी सी जमात हजरत मूसा अलैहि सलाम की, बनु इसराइल की, लेकिन उनका यकीन सही बना था। तो हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने फिरौन का मुकाबला करने के लिए लश्कर तैयार नहीं किया, दूसरे मुल्कों के साथ अंदर खाने सेटिंग नहीं की, अंदर खाने उनसे मदद नहीं मांगी, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल के पास यकीन के ऊपर मेहनत कराई कि अपना यकीन अल्लाह की जात के ऊपर मजबूत करो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी लोग, उनकी टीम कमजोर, ज़ईफ, मिस्कीन, तादाद भी बहुत छोटी, लेकिन खुदा ताला ने क्या करके दिखलाया? ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض, खुदा की आदत है, सुन्नत है कमजोरों की मदद करना। लिहाजा अगर कमजोर लोग यकीन वाले बन जाए, जो आज दुनिया में समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम बीसी हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम पछात वर्ग के हैं, हम लघुमति हैं, हमारे अंदर जो है कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, वो अल्लाह पर अपना यकीन मजबूत कर ले बे। अब रिजल्ट सुन लो, फिरौन और फिरौन के लोग गलत यकीन वाले,
हालांकि उनकी तादाद बहुत बड़ी, उनका लश्कर बहुत बड़ा, उनकी जमात बहुत बड़ी, उनकी सत्ता और हुकूमत बहुत बड़ी, और इधर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जमात बहुत छोटी और बहुत थोड़ी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो बड़ी हुकूमत वालों को, बड़ी सत्ता वालों को, बड़े लश्कर वालों को, फिरौन को अल्लाह ने पानी में डुबो करके खत्म कर दिया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छोटी सी जमात अल्लाह ने दरिया में रास्ते बना दिए, मुशाहदे के खिलाफ, तजुर्बे के खिलाफ, अनुभव के खिलाफ अल्लाह ने करके दिखला दिया। وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, हाँ ये हमको गुस्सा दिलाने वाले काम करते हैं, अल्लाह ने इन्हीं को दरिया के पार कर दिया। तो अच्छी तरीके से समझो कि यकीन अगर सही होगा अल्लाह की जात के ऊपर, तो फिर अल्लाह ताला जो है दुनिया के तजुर्बे, दुनिया के मुशाहदे के खिलाफ करेंगे, जैसे सहाबा किराम के लिए अल्लाह ने किया। लोग ये समझते हैं कि पानी में इंसान डूब जाता है, और सहाबा के घोड़े पानी में तैर रहे, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला नो घोड़ों के साथ सहाबा को लेकर पानी में तैर रहे। ये हैं मुशाहदे के खिलाफ, तजरबे के खिलाफ अल्लाह करके दिखलाते हैं। बस ये यकीन हमारे अंदर अल्लाह करके आ जावे। और इस यकीन का क्या मतलब? अल्लाह ताला ही करने वाले हैं, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता, ये अपने अंदर यकीन जमा लो। आदमी जाहिरी शक्ल सूरत, जाहिरी देख दिखाओ, जाहिरी मॉडल से मुतासिर न होवे, अपने अंदर असर न लेवे, आदमी अल्लाह की जात से मुतासिर होवे, तब जाकर के अल्लाह की मदद आएगी। और जहां अल्लाह के अलावा का असर दिल में आया कि आदमी अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीजों से मुतासिर होगा, तो वहां अल्लाह की मदद हट जाएगी। अच्छी तरीके से समझ लो। तो आज सारी दुनिया के अंदर सही यकीन और गलत यकीन का मुकाबला चल रहा है, पूरी दुनिया में यही जंग है। वमा नकमु मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, हमारा ये यकीन कि अल्लाह करते हैं, अल्लाह ही करने वाले हैं, और सारी दुनिया क्या कह रही है? माल से होता है, सामान से होता है, असबाब से होता है, ताकत से होता है, सत्ता से होता है, हुकूमत से होता है, मिलिट्री से होता है, लश्कर से होता है, और हम कहते नहीं, करने वाली जात अल्लाह ताला की है। इसलिए बाज मरतबा किया होता है कि इंसान गलत यकीनों के ऊपर जो है चलने वाला बनता है। अगर इंसान के अंदर जो है अल्लाह पर यकीन आ जावे, तो मुआफिक हालात का भी असर नहीं होता और मुखालिफ हालात का भी असर नहीं होता। दोनों हालात में आदमी शरीयत पर चुपचाप आफियत से चलता रहता है, अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी मिजाज, अपनी सोच और विचार के मुताबिक, अपनी फेवर के हालात हो या उसके खिलाफ हालात हो, हर हाल के अंदर जो है आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो अल्लाह के नाम के ऊपर चलता रहता है। देखो ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब की, साधन की, सामग्री की जरूरत पड़ती है। खुद अल्लाह ने फरमा दिया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, सारी जमीन की चीजें इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, सारी जमीन की। इसलिए दुनिया है, असबाब की जरूरत पड़ती है, साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है, लेकिन भरोसा और यकीन अल्लाह की जात के ऊपर पैदा करो।
और ये जो हम हर अजान में कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और नमाज शुरू करने से पहले कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो हमारी जबानों पर रह गया है, उसको दिल में लाने की जरूरत है, उसको दिल के अंदर उतार लो तो जाकर के सारा काम आसान हो जाएगा। तीसरी चीज क्या फरमाई, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنا مال اپنی جان لے کر کے اللہ کے راستے کی محنت کرنا, اللہ کے دین کی محنت کرنا, مال بھی میرا جان بھی میری, وقت بھی میرا زندگی بھی میری مال بھی میرا, میں چلوں گا اللہ کے راستے کے اندر, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, اللہ کا دین سکھانے کے لیے, इल्म हासिल करने, इल्म पहुंचाने के वास्ते, अपनी इस्लाह करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, जिंदगी में अल्लाह का जिक्र जिंदा करने के वास्ते मेरी चलत फिरत होगी। अल्लाह ने दूसरा फायदा बतलाया, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन बात है अगर तुम समझो। आदमी दुनिया का नफा समझता है लेकिन आखिरत का नफा दिखता नहीं अभी दुनिया में, इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरत का नफा समझ में आवे के न समझ में आवे, मान लो और मान करके ये चार काम कर लो, तो ये चार काम हो गए जिससे अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के रसूल पर यकीन, अल्लाह के रास्ते में अपना माल अपनी जान लेकर के दीन सीखने सिखाने के लिए मेहनत करना। अब यहां आयत पर बहुत ध्यान से गौर करो कि ये चार चीज को अल्लाह ने तिजारत क्यों फरमाया, चार चीज को तिजारत क्यों कहा, इसलिए कि तिजारत में दो काम करने होते हैं, एक माल लगाओ दूसरा मेहनत करो। हर कारोबार, हर तिजारत, हर बिजनेस आप देख लो, माल लगाओ मेहनत करो, रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, नफा मिलेगा। बिल्कुल यहां भी ऐसा ही है, पहली चीज ईमान होना चाहिए, दूसरी चीज अल्लाह के रास्ते में जान माल लगाना है तो उसके बदले में अल्लाह अपनी खुशी अता करेंगे, अल्लाह की रजा मिलेगी, आखिरत की हमेशा हमेश की नेमतें मिलेगी, और आखिरत में जन्नत में ऐसे मकान मिलेंगे जिसमें हर तरह का आराम होगा, हर तरह का मौज मजा होगा, हर तरह की राहत राहत ही तुम्हारे लिए होगी। आगे फरमाया, अब ये चार चीजें हो गई अल्लाह की तिजारत की, अल्लाह के बिजनेस की, अल्लाह के कारोबार की। अब आगे उसको उसके और फायदे समझो, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुमको ऐसे बागात में, बाड़ियों में दाखिल करेंगे कि उनके नीचे से नहरें बहती होगी, और उम्दा मकानों में दाखिल करेंगे जो हमेशा रहने के बागों में वाक़े होंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मिन नहीं फरमाया, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम नहीं, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह इस तिजारत करने वालों के गुनाहों को माफ कर देंगे, अल्लाह उनको जन्नत की बाड़ियां देंगे जिसमें नहरें होगी, उम्दा मकान होंगे, और वहां हमेशा हमेशा रहना है। दुनिया में आजकल लोग शानदार बंगले बनाते हैं, बेहतरीन फार्म हाउस बनाते हैं, कोई कहता है कि मेरा फार्म हाउस 5 करोड़ का, कोई कहता है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का मेरा फार्म हाउस।
लेकिन मौत आई, सब कुछ दुनिया में छोड़ करके चले गए। बल्कि मौत तो क्या, इंसान पर नऊज़ुबिल्ला ऐसे हालात आते हैं कि वो 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का फार्म हाउस, उसी के अंदर आदमी आपघात करता है, सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है। क्या ये कोई मजे की जिंदगी है? थूक है उसके ऊपर। असल मौज मजे की जिंदगी वो आखिरत की है, जो इस तिजारत की बरकत से अल्लाह दुनिया में अता करेंगे। वउखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि वफतहुन करीब वबशिरिल मुमिनीन। और इन नेमतों के अलावा तुम्हारे लिए दूसरी नेमत भी है, जो तुमको, जिसको तुम पसंद करते हो, वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद और जल्दी हासिल होने वाली फतह है। और ए नबी, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी तिजारत, कितना प्यारा कारोबार, कि उसके ऊपर अल्लाह सुभान हू व ताला हमको हमारी प्यारी चीज अता करेंगे। हमारी प्यारी चीज मिलेगी वो क्या, अल्लाह की मदद और बिल्कुल करीब में आकर के कामयाबी। सुभान अल्लाह, नसरुम मिन अल्लाह, अल्लाह की मदद मिलेगी भाई। देखो, इंसान का मिजाज ऐसा है कि वो नकद और कैश चीज को पसंद करता है। इसलिए हमारे यहां गुजराती में कहवत है कि कल कोई मुर्गी देने का वादा करे और आज कोई अंडा देने की बात करे, तो अंडा आज का अच्छा कल की मुर्गी के मुकाबले के अंदर। इसलिए कि कल किसने देखी और कल आवे ने वो मुर्गी नहीं देवे, तो इससे बेहतर आज अंडा मिलता है तो लेके खा लो उसको। तो ये इंसान का मिजाज है, इंसान की तबीयत है कि उसको कैश और नकद फायदा चाहिए। तो अल्लाह ताला उसको बतला रहे कि तुमको जो बहुत पसंद है ये है कि तुम्हारे दुश्मनों के मुल्क फतह हो जाए और तुम्हारी जीत हो जाए। सुभान अल्लाह। तो फतह, जीत, ये अल्लाह ताला इस कारोबार की बरकत से अता फरमाएंगे। मालूम हुआ कि आदमी अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले बने, अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले बने। देखो, बदर में अल्लाह ने फतह अता फरमाई, हुनैन में फतह अता फरमाई, फतह मक्का के मौके पर जीत हुई। कैसे हुई? बस ऐसी फतह अल्लाह ताला तुमको अता फरमाएंगे। करीब का क्या मतलब? वो फतहुन करीब, एक करीब का मीनिंग है आखिरत के मुकाबले के अंदर। तो उस सूरत के अंदर मीनिंग ये होगा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर कयामत तक जितनी भी मुसलमानों को फतह होगी, जीत होगी मुसलमानों की, वो तमाम की तमाम है वह फतहुन करीब। तो अगर इसको आखिरत के एतबार से मुराद लिया जाए करीब, तो फिर हुजूर के जमाने से लेकर के यानी बदर, उहूद, अहजाब, खैबर, कुरेदा, नजीर, फतेह मक्का, खिलाफत राशिदा की फतुहात, बाद के दौर की फतुहात, सब इस आयत के अंदर शामिल हो जाएगी। और करीब का मतलब वो लेवे जो हम समझते यानी अभी हुआ, फौरन मिल जावे। तो फिर इस आयत के उतरने के जमाने में फौरन एक मदद आई और वो खैबर फतह हुआ। मदीना के अंदर जो करीब में जो खैबर है वो फतह हुआ और सहाबा को बहुत बड़ा माल मिला, जमीन मिली, खेती मिली, और थोड़े दिनों के बाद मक्का फतह हो गया। कितनी अजीब नेमत सहाबा किराम को मिल गई। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी नेमत अता फरमाए। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। आज बहुत सारे लोग अपने मकान के ऊपर इसकी मार्बल की तख्ती बना करके लगाते हैं, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हालांकि वो ब्याज के पैसों से
लोन के पैसों से बंगला बनाते हैं, न उस पर लिखते हैं नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अरे ये तो अल्लाह का गजब है, अल्लाह का गुस्सा है, अल्लाह का गुस्सा कि तूने लोन लेकर के बंगला बनाया, तूने जो है भाई बहनों का हक दबा करके बंगला बनाया और उस पर तू लिखता है नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, शर्म नहीं आती, डूब मर डूब मर। ये अल्लाह का गजब है, अल्लाह की मदद नहीं है। और जालिकल फौजुल अजीम, बहुत बड़ी कामयाबी। आज दुनिया में लोग कामयाबी किसको समझते हैं? किसी को माल मिल गया, दौलत मिल गई, उसको कामयाबी समझते हैं, सत्ता मिल गई, उसको कामयाबी समझते हैं। अरे ये तो चंद दिनों की है, थोड़े दिनों की है, थोड़े साल की है, फिर आदमी मर के दुनिया से चला जाएगा। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मौत के बाद की जो जिंदगी है वो आदमी की अच्छी हो जावे। और फरमाया कि ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। इसीलिए ये चार बातें अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर रख लो कि अल्लाह ताला, ऊपर वाली आयत आई थी ने, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ऊपर कल जो आयत आपको पढ़ करके सुनाई थी, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला का वादा है दीन इस्लाम को दुनिया में गालिब करने का, यानी दुनिया से गलत तरीके खत्म हो जाएंगे, सही तरीके दुनिया में आम हो जाएंगे। और सही तरीका ईमान का तरीका, अल्लाह का पाकीज़ा तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका, वो दुनिया में आम हो जावे तो दुनिया से तमाम गलत तरीके खत्म हो जाएंगे। अल्लाह करेंगे, अल्लाह दिल को पलटते हैं, लेकिन हम लोग जो मेहनत करेंगे ये चार चीजों की जो इस आयत में बतलाई गई, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिह व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के रसूल पर यकीन, अल्लाह के रास्ते में अपना माल अपनी जान लगा करके मेहनत करना तो जरूर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ताला ये चारों काम आपको और मुझको इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमावे। आगे अल्लाह ने एक मिसाल दी कि कैसे मेहनत करोगे ये चार चीज में, या अय्युहल्लदीना आमनु कुनु अंसार अल्लाह كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين। ايمان والو तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करने वाले बन जाओ, जिस तरह ईसा मरियम के बेटे ने हवारियों से कहा था कि कौन अल्लाह ताला के दीन की खातिर मेरी मदद करेगा, उस पर हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला के दीन की मदद करने वाले हैं। फिर इन कोशिश के बाद भी बनी इसराइल की एक जमात ईमान ले आई और एक जमात ने कुफर अपना लिया। फिर हमने ईमान वालों की उनके दुश्मनों के खिलाफ मदद की, जिसके नतीजे में वो गालिब आ गए। तो इस आयत में नमूना बतलाया, मिसाल बतलाई कि जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हवारीन थे, उन हवारीन ने जिस तरीके से काम किया कि पहले लोगों को ईमान की दावत दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो पाकीज़ा दीन लेकर के आए थे वो पाकीज़ा दीन लोगों को समझाया, तो उसके नतीजे के अंदर दो जमात हो गई, एक मानने वालों की और एक न मानने वालों की, एक मोमिनों की एक काफिरों की, दो जमात बन गई। बस तो ऐसा होने वाला है जब तुम जो है दीन की मेहनत लेकर के उठोगे तब। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक मिसाल दी हवारीन की।
अब समझो ये हवारीन कौन लोग हैं। ऐसे तो सूरह आले इमरान की जब तफसीर चल रही थी, मैंने डिटेल में हवारियों के बारे में बतलाया था, इंटरनेट के ऊपर वो तफसीर निकाल के देख लेना, सीडी में वो सुन लेना कि हवारी लोग कौन हैं। बहुत शॉर्ट में, मुख्तसर में आपको दोबारा समझाऊं, हवारीन ये जमा का सेगा है, बहुवचन है, और हवारी उसका एक वचन आता है जिसका मीनिंग होता है मुखलिस दोस्त। ऐसा दोस्त जो इखलास वाला हो, बनावटी दोस्त न हो कि जो खाने पीने में, घूमने फिरने में, ऐश अय्याशी में, मौज मजे में साथ देवे और फिर तकलीफ में साथ न देवे, ऐसा दोस्त मुराद नहीं है। इखलास वाला वफादार दोस्त उसको हवारी कहते हैं। ये कुल 12 आदमी थे जो हजरत ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए। ये सफेद कपड़े पहनते थे, उनके दिल भी सफेद थे। हजरत ईसा अलैहि सलाम पर ईमान, नबी के साथ रहना, उसकी बरकत से उनके दिल साफ सुथरे थे। और ये सब धोबी का काम करते थे, लोगों के कपड़े धोने का काम करते थे। और धोबी का काम होता है मैले कपड़ों को साफ करना। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं तुमको दिल धोने का तरीका बतलाऊं, आ जाओ, मैं तुमको दिल कैसे धोने के वो बतलाऊं। तो ये हवारीन जो 12 थे हजरत ईसा अलैहि सलाम पर पक्के ईमान लाने वाले, और हदीस में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवारी का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बहुत थे। खास तौर पर दुश्मन आपके यहूदी लोग थे। इन्हीं यहूदी लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया था, नापाक प्लान, गंदा प्लान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का। और बहुत सताया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी अम्मा मरियम को, माँ बेटे दोनों को इन यहूदियों ने बहुत सताया, बहुत सताया। तो जब दुश्मनों से तंग आ गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के दीन की इशात में कौन मेरी मदद करेगा, अल्लाह का दीन फैलाने में कौन मेरी मदद करेगा, अल्लाह का दीन दुनिया में आम करने में कौन मेरी मदद करेगा। जब हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आवाज लगाई तो 12 आदमी तैयार हो गए। मालूम हुआ कि दीन की मदद के लिए जमात बनाना ये नबियों का तरीका है। खुद ईसा अलैहि सलाम ने आवाज लगाई ना, मन अंसारी, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन के लिए, हम सब मिलकर के अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। बस जमात पर अल्लाह की मदद होती है। और कोई आदमी ये नहीं सोचे मैं अकेला ये काम करूं, मैं अकेली ये मेहनत करूं, ये नहीं। दीन हमको सिखाता है यदुल्लाह अलल जमा, जब कोई जमात बनती है, जब कोई टीम तैयार होती है तो उनके साथ अल्लाह ताला की मदद हुआ करती है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने बहुत सताया, तो आपने ऐलान किया कि कौन अल्लाह का दीन फैलाने में, अल्लाह का दीन दुनिया में आम करने में मेरी मदद करेगा। तो ये 12 आदमी तैयार हो गए और इन्होंने वफादारी करने का पक्का वादा किया, और उन्होंने जिंदगी किया, और इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए मुबारक दीन को दुनिया में फैलाने की मदद की। ये मिसाल, ये किस्सा बयान करके अल्लाह ताला इस उम्मते मोहम्मदिया को समझा रहे हैं कि तुम भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मुबारक दीन की मदद करो और उनके दीन की मदद करने वाले बन जाओ। और सहाबाए किराम तैयार हो गए। सुभान अल्लाह, सहाबा मदीना वाले, उन्होंने कैसी मदद की कि उनका नाम ही अंसारी बन गया। और मक्का वालों ने कैसी मदद की
कि वतन छोड़ दिया उन्होंने, मुहाजिरी बन गए और सारी दुनिया से इन्होंने दुश्मनी कर ली अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अपनी जान लगाई, माल लगाया, औलाद को कुर्बान किया। अल्लाह ने उनको मदद अता फरमाई और जो अल्लाह ताला ने उनको कैसा नवाज दिया। तो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करनी है। और जब हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया तो तीन फिरके हो गए, तीन पार्टियां हो गए। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला नुमा फरमाते। नंबर एक, हजरत ईसा अलैहि सलाम जब आसमान पर उठा लिए गए जिंदा सलामत, तो बहुत सारे ईसाइयों कहने लगे कि ईसा तो खुदा थे, ईसा इज गॉड, ईसा खुदा थे और वो दुनिया में जगत में अवतार लेकर आए थे और वो आसमान के ऊपर दोबारा चले गए। ये काफिर जमात। दूसरी जमात, उन्होंने कहा कि ईसा वो खुदा के बेटे थे, खुदा नहीं थे बल्कि खुदा के बेटे थे और अल्लाह ने उनको अपने बेटे को अपने पास बुला लिया और दुश्मन से बचा लिया। ये भी गलत लोग, ये भी कुफ्र करने वाले लोग। तीसरी एक पार्टी, तीसरी जमात, उन्होंने क्या कहा, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला ने दुश्मनों से बचाने के लिए उनको आसमान पर उठा लिया। ये सही फिरका, ये सही जमात, ये सही मानने वाली जमात, ये तीन जमात हो गए। अब तीनों जमात के साथ कुछ न कुछ लोग हो गए। दुनिया में कोई आदमी जो उठता है ना, सही बात लेके उठे के गलत बात लेके उठे, कुछ न कुछ लोग उसको मानने वाले मिल जाते हैं। देखो नी दुनिया में नऊजुबिल्ला झूठे लोग नबी होने का दावा करते हैं, उनके पीछे भी 5-10 हजार गांडे जैसे लोग जुड़ जाते हैं। जिनको पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, माल चाहिए, वो उनके साथ लग जाते हैं। तो ये अजीब दुनिया है। बस अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे और गुमराह होने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। इसीलिए हमेशा दुआ किया करो, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये जो तीन जमात बन गई, तो हर एक के पीछे कुछ न कुछ मानने वाले हो गए और दुनिया में इनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। ये इनको ईमान वाला कह रहा है, ये इनको काफिर कह रहा है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान को उतारा और उन्होंने आकर के लोगों को बतलाया कि ये तीसरी जमात सही जमात है, कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया है, कयामत से पहले दोबारा दुनिया में उतारे जाएंगे और जंग उनके दरमियान होती रही। और उसके अंदर ये हुआ कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर सही तरीके से ईमान लाने वाले लोग थे, सही तरीके से जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते थे, ये सही तरीके से ईमान लाने वाले, तो ये सही तरीके से ईमान लाने वाले लोग उनके ऊपर जालिमों ने हमला करना शुरू किया, जालिमों ने उनके साथ लड़ाई करना शुरू की। यानी जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गलत अकीदे रखते थे, उन्होंने सही अकीदा रखने वालों के ऊपर हमला किया, अटैक किया, तो वो बेचारे सही सच्चे ईमान लाने वालों को डिफेंस करना पड़ा, दिफा करना पड़ा, मुकाबला करना पड़ा, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी मजबूरी के दर्जे के अंदर।
अल्लाह ताला हम सबको सही यकीन अता फरमाए, सही ईमान अता फरमावे। गलत यकीन से अल्लाह मेरी आपकी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। गलत ईमान से अल्लाह हिफाजत में रखे। सही सच्चा कामिल ईमान यकीन की दौलत से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमावे। तो इन चार काम के करने पर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के रसूल पर यकीन, अल्लाह का दिया हुआ माल, अल्लाह का दिया हुआ वक्त, अल्लाह की दी हुई जान, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और जो है लोगों को अच्छी बात सिखाने के लिए, लोगों को बुरी बात से बचाने के लिए लगाओ। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।